और चलिए फिर से आपको उत्तराखंड के उस हादसे की तस्वीरें के साथ साथ ये बताते हैं कि अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें गई है, बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई करकर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं, कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं, और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची उस पर गृह मंत्री ने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बातचीत की है, मौजूदा हालात की जानकारी ली है और साथ ही खासतौर पर जवानों को अलर्ट किया गया, वहां जवान मौजूद है बड़ी संख्या में, आईटीबीपी के जवान मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एयरफोर्स से भी सहायता मांगी गई है ताकि बचाव कार्य में तेजी लाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड को, देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी ताकि जनजीवन जल्दी ही सही स्थिति में पहुंच सके और इस परिस्थिति से उत्तराखंड को बाहर निकाला जा सके। ग्लेशियर गिरने से जो बांध टूटा जिसके चलते ये तबाही मची, उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है कि स्थिति को संभाला जा सके, बचाव कार्य राहत कार्य लगातार जारी है, आईटीबीपी के जवान मौके पर मौजूद हैं। चूंकि बांध पर 200 से 250 लोग काम कर रहे थे, वो पानी में बह गए या क्या कुछ हुआ, लगातार बचाव कार्य के जरिए कोशिश की जा रही है। और इसी पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट के जरिए कहा है, उन्होंने लिखा है, वरी टू नो ऑफ एवलांस एंड फ्लूडिंग इन चमोली। उनके मुताबिक उन्होंने कहा ग्लेशियर गिरने से जो बांध टूटा है, जिस तरह से वहां तबाही मच रही है, लगातार हर तरफ राजनीतिक से जुड़े हुए लोग भी कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, सभी ने स्थिति को संभालने की, उत्तराखंड को इस स्थिति से बाहर निकालने की बात कही है। और इसी पर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर उत्तराखंड को इस परिस्थिति से निकालने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी दुआ है और मैं पूरी दुआ करूंगा कि लोग सुरक्षित वहां से बाहर निकल सके जो वहां फंसे हुए हैं। जो लोग वहां फंसे हुए हैं, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि वो सुरक्षित वहां से बाहर निकल सके। तो बता दें उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बांध टूटा जिसके चलते वहां तबाही का ये मंजर इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरह से वहां तबाही मची है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें और आईटीबीपी की टीमें वहां मौजूद हैं, राहत और बचाव कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इसी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा है जो लोग वहां फंसे हुए हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो सुरक्षित वहां से बाहर निकाले जा सके।